हाँ जी बच्चों कैसे हैं आप लोग तो बेटा आज हम उस टॉपिक की बात करेंगे उस चैप्टर की बात करेंगे जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है आप लोगों को लेकिन इतना सिंपलेस्ट भी हो सकता है इतना इजी भी हो सकता है आप चौक जाएंगे तो शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन तो बेटा आपने पढ़ा है टेंथ क्लास में जेनेटिक्स क्या होती है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन तो इनहेरिटेंस है बेसिस ऑफ हेरिडिटी कि जो बेसिक बॉडी प्लान है वो कैसे ट्रांसमिट होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में और वेरिएशन जो है वो है डिग्री ऑफ डिफरेंसेस कि पेरेंट से कितना अलग दिखता है कोई भी ऑफस्प्रिंग है ना तो कोजेज़ ऑफ वेरिएशन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और उन्हीं को सेलेक्टिव ब्रीडिंग में यूज़ किया जाता है जिससे जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसमें डिज़ायर्ड या सुपीरियर करेक्टर्स देखने को मिलते हैं और इसका बेस्ट एग्जांपल साहिवाल काऊ जो पंजाब में डेवलप की गई तो मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो ग्रेगर जोन मेंडल ने मिड नाइनटीन सेंचुरी में इसने काम करना शुरू किया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने शुरू किए और उन्होंने पी प्लांट पाइसम सटाइवम पे काम करना शुरू किया उनकी जो सक्सेस है उसके दो मेन रीजंस थे उन्होंने आर्टिफिशियल पोलिनेशन और लार्ज सैम्पलिंग साइज रखा और इसके साथ साथ स्टेटिस्टिकल डाटा भी प्रोड्यूस किया अपने एक्सपेरिमेंट्स का ठीक है सात कैरेक्टर्स उन्होंने मेनली स्टडी किए जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि, कि किस क्रोमोसोम नंबर पे वो प्रेजेंट थे और कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे पहली तरफ जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है वो बेटा डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है तो स्टेम हाइट फ्लावर कलर फ्लावर पोजीशन, पोड सेप पोड कलर सीड शेप एंड सीड कलर ये सात कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स उन्होंने स्टडी किए कॉन्ट्रास्टिंग पेयर के बेसिस पे और करोस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम का नंबर भी आप देख सकते हैं अब बात आती है कि किस तरह से इनहेरिटेंस होता है तो दो तरह का इनहेरिटेंस पैटर्न नॉर्मली देखने को मिलता है एक सिंगल जीन इनहेरिटेंस और एक टू जीन इनहेरिटेंस तो एक एक करके हम दोनों की बात करेंगे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस कि एक ऐसा क्रॉस जिसमें दो प्लांट जो एक पेयर ऑफ करेक्टर्स में डिफर करते हों उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस या हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं जब एक बार में एक करेक्टर को स्टडी किया जाए तो वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं हाइट ऑफ द प्लांट या तो टोल होगा प्लांट या ड्वार्फ अभी हमने कॉन्ट्रास्टिंग रेट में देखा था टोल इज डोमिनेंट तो कैपिटल सी टी से उसको रिप्रेजेंट कर दिया गैमेट फॉर्मेशन के बाद एफ वन जनरेशन में सारे के सारे हेट हो जाएगा स्टोल प्लान्ट प्रोड्यूस हुए और जब उनका सेल्फ क्रॉस करवाया गया तो एफ टू जनरेशन में टोल और ड्वार्फ की जो रेशो थी वो थ्री रेशो वन देखने को मिली तो इसका मतलब एफ टू जनरेशन में वो फीचर्स भी दिखाई दिए जब वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट भी दिखाई दिया जो एफ में एक्सप्रेस नहीं हो पाया था मीन्स देर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ करेक्टर्स तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा है जो अनचेंज फॉर्म में पास हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में और उसको नाम दे गया फैक्टर जिसको प्रेजेंटली हम जीन कहते हैं तो जीन इज़ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस अब एक ही जीन की जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स होती हैं उनको कहा जाता है अलील अब अगर दोनों के दोनों अलील एक जीन के सेम है तो कहलाएगा होमोजाइगस अगर दोनों अलग अलग हैं तो होता है हेट्रोजाइगस इसी तरह ओर टर्म्स की हम अगर हम बात करें तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जीन्स का जो कंपोजिशन है किसी ऑर्गेनिज्म में वो कहलाता है जीनोटाइप जैसे हम कैपिटल टी लिखते हैं स्मॉल टी लिखते हैं वो जीनोटाइप है लेकिन अगर फिजिकल और आउटर अपेयरेंस की बात करें कि बाहर से कैसा दिखाई देता है ऑर्गेनिज्म तो वो हो गया फिनोटाइप जैसे टॉल या डॉवार डोमिनेंट वो फीचर जो हैट्रोजाइगस कंडीशन में अपना एक्सप्रेशन शो कर दे जबकि रिसेसिव फैक्टर जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट शो सॉरी हैट्रोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता डबल रिसेसिव कंडीशन में ही अपना इफेक्ट शो कर पाता है तो डोमिनेंट के लिए कैपिटल लेटर यूज किए जाते हैं और रिसेसिव के लिए स्मॉल लेटर्स को यूज किया जाता है ठीक अभी मैंने बताया था मोनोहाइब्रिड में एक करेक्टर और डाई हाइब्रिड में दो करेक्टर को एक साथ स्टडी किया जाएगा ठीक है तो पेरेंट में जब मेयोटिक डिवीजन के बाद गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो ड्यूरिंग सेग्रीगेशन ये एक रैंडम प्रोसेस हो जाती है 50-50 परसेंट -50 चांसेस होते हैं कि कौन सा एलील किसके साथ कंबाइन करेगा है ना तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन में भी एक रैंडम प्रोसेस है इसी तरह से अब जी इस तरह के चेकर बोर्ड्स आपने देखे होंगे इनको पनेट स्क्वेयर भी कहा जाता है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की कैलकुलेट करने की कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स किसी भी क्रॉस के लिए हो सकते हैं जैसे मोनोहाइब्रिड के लिए फिनोटिपिक रेशो आती है थ्री रेशो वन लेकिन जीनोटिपिक रेशो आती है थ्री वन रेशो टू रेशो वन इसी तरह डाई के लिए फिनोटिपिक रेशो आ जाती है नाइन रेशो थ्री रेशो थ्री रेशो वन अब एक और इंपॉर्टेंट टाइप के क्रॉस होते हैं बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस कि अगर हाइब्रिड को या एफ वन ऑर्गेनिज्म को किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दें तो वो हो गया बैक क्रॉस लेकिन अगर एफ वन जनरेशन को डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो कहलाता है टेस्ट क्रॉस तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रोस हमेशा वन रेशो वन होता है और टेस्ट क्रोस इज डन टू चेक जीनोटाइप अनोन जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म अब ये देखिए यहाँ पे टेस्ट क्रोस को कैसे आप समझ सकते हैं है ना कि जो डोमिनेट पेनोटाइप था उसको फाइंड आउट करना था तो हमने डबल रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दिया टॉल प्लांट को तो जो होमोजाइगस डोमिनेंट थे वो सारे के सारे टॉल हो गए और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में टॉल और ड्वार्फ दोनों देखने को मिले तो भाई लुकिंग एट फिनोटाइपिक कंपोजिशन हम कभी भी जीनोटाइप नहीं बता सकते उसके लिए हमें टेस्ट क्रॉस करना पड़ता है अब मैंडलिज्म या मैंडल की बात करें तो मैंडल ने तीन मेन लॉज प्रपोज किए जिसमें से दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे थे लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट जो था वो डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर था तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की कि एक्सप्लेन एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन कैरेक्टर इन एफ वन जनरेशन लेकिन एफ टू जनरेशन में दोनों दिखाई देंगे अब इस डोमिनेंस का रीजन क्या होता है कि हर जीन इंफॉर्मेशन कैरी करता है एक पर्टिकुलर ट्रेड की हेट्रोजाइट सॉरी हैट्रोजाइगस कंडीशन में दो टाइप के अलील होते हैं तो जो अनमोडिफाइड या नॉर्मल और फंक्शनल अलील है वो जनरली डोमिनेंट होता है और ओरिजिनल फिनोटाइप शो करता है लेकिन जो मॉडिफाइड एलील होगा वो जनरली रिसेसिव होता है तो नॉर्मल 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 एंजाइम प्रोड्यूस करेगा लेकिन मॉडिफाइड जो एलील है वो या तो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट जीन एंजाइम या नॉन फंक्शनल एंजाइम या एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं करेगा तो फर्स्ट केस में जब नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम होगा तो सेम फिनोटिपिक एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करेगा जो कि नॉर्मल अनमोडिफाइड एलील प्रोड्यूस करता है लेकिन सेकंड और थर्ड केस में जो फिनोटाइप है डिपेंड करेगा फंक्शनिंग ऑफ अनमोडिफाइड एलील तो मॉडिफाइड एलील बिकम्स रिसेसिव समझ आई बात दोबारा से समझिए देखिए हमारे पास होमो जाएगा सो तो हेट्रो दो कंडीशन है दो फॉर्म है एक ही जीन की अब ये जो मॉडिफाइड जीन है वो नॉर्मल या अनचेंज फॉर्म रिप्रेजेंट करता है तो वो डोमिनेंट हो गया लेकिन मॉडिफाइड वो फॉर्म जो है वो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करेगी जो कि मोस्ट कॉमन होता है या वो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस करेगी या एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो नेचुरल सी बात है जब नॉन फंक्शनल एंजाइम होगा तो फिनोटाइप अफेक्टेड हो जाएगी और वो डिपेंड करेगी उस अन अफेक्टेड सॉरी अन मोडिफाइड अलील पे क्लियर चलिए अब बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो अलील्स हैं वो ब्लेंडिंग शो नहीं करते एफ टू जनरेशन में दोनों के दोनों कैरेक्टर दिखाई देते हैं बट गैमेट सेग्रीगेट करेंगे सेपरेट हो जाएंगे इंडिपेंडेंट ऑफ ईच ईच अदर एंड ईच गैमेट हैज इट्स ओन वन अलील ठीक है सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट होगा क्लियर चलिए तो यहां पे ये देखिए मोनोहाइब्रिड जीनाटोबिक रेशियो जिसकी हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं तो जीनोटिपिक रेशियो आएगी वन रेशियो टू रेशियो वन जबकि फिनोटिपिक रेशियो क्या आती है थ्री रेशियो वन क्लियर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मैंने बताया था रैंडम प्रोसेस होते हैं फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चांसेज होते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कंबाइन करेगा कैपिटल टी कैपिटल टी के साथ कंबाइन करेगा अब आ जाता है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स जिनको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं कि एक बार में दो करेक्टर्स को साइमटेनियसली स्टडी किया जाए ठीक है तो यहां पर देख रहे हो राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड शेप और सीड कलर का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं दो कैरेक्टर्स को एक साथ ले रहे हैं तो पेरेंट्स हो गए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई डोमिनंट एंड स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई तो जो गैमेंट फॉर्मेशन हुआ आप देख पा रहे हैं नॉर्मल प्रोसेस है जब एफ वन को सेल्फ क्रॉस करवाया जाता है तो एफ टू जनरेशन में नाइन रेशो थ्री रेशो थ्री रेशो वन फिनोटिपिक रेशो ऑप्टेन होती है ठीक है तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं आप इजीली एक चेकर बोर्ड बनाकर इसको चेक कर सकते हैं ठीक है बहुत सिंपल है अगर आप सीक्वेंस वाइज बैनर में चलेंगे तो आराम से इसको देख सकते हैं देखिए मैंने और सिम्प्लीफाई कर दिया आपके लिए एक तरफ फादर के गैमेट्स कह सकते हैं एक तरफ मदर के गैमेट्स कह सकते हैं आप ठीक है और जीनाटिपिक रेशियो क्या है? वन टू वन टू फोर टू तू तू वन, वन टू वन मोबाइल नंबर याद करना है आपको है ना वन टू वन फोर टू वन सॉरी वन टू वन टू फोर टू एंड वन टू वन आजकल के बच्चों को आपको लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा तो ये टू जीन इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं हम तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोटमेंट कहता क्या है कि जब दो पेयर ट्रेड्स के एक साथ कंबाइंड किए जाते हैं तो सेग्रीगेशन जो है एक पेयर का वो दूसरे पेयर के सेग्रीगेशन को अफेक्ट नहीं करता मतलब दोनों इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं अलग अलग हो जाते हैं यहाँ पर आप देखिए एफ वन ऑर्गेनिज्म था उसमें चार तरह के गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है ट्वेंटी फाइव परसेंट ईच है ना कोई कन्फ्यूज़न नहीं चलिए अब कुछ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी है कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी हैं जो मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते उसमें सबसे पहला आ जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपके एनसीआरटी बुक में बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है किसका डायग्राम दिया कोई बता सकता है फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए यस डॉग फ्लार एंटी रेनम मैजस स्नैपड्रैगन मेरा बिलेस जलापा यहाँ पे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो आपको बतानी है क्या क्या होंगे देखिए डोग फ्लार रेड कलर के फ्लावर्स और वाइट कलर के फ्लावर्स का क्रॉस करवाया गया रेड कलर इज डोमिनेंट व्हाइट कलर इज इज तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है एफ वन जनरेशन में सारे के सारे हेट्रोजाइगस रेड होते लेकिन यहाँ पर इट इज़ ए क्लियर कट वायलेशन ऑफ मैंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस तो यहाँ पे एफ वन जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स हो जाते हैं पिंक और जेनेटिपिक रेशियो जो आती है एफ टू जनरेशन में रहेगी अभी भी वन रेशो टू रेशो वन कि रेड टू पिंक टू व्हाइट तो फिनेटिपिक रेशियो और जेनेटोपिक रेशियो इनकंप्लीट डोमिनेंस के केस में सेम हो जाती है इतनी छोटी सी बात याद रखनी है डोमिनेंस में थ्री रेशियो वन और वन वन रेशियो टू रेशो वन थी लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो भी वन टू वन और जीनोटिपिक रेशियो भी वन एफ वन में अलग एक्सप्रेशन दूसरा वायलेशन है कोडोमिनेंस कि दोनों के दोनों अलील जो हैं जीन के एक साथ एक्सप्रेशन देते हैं हाइब्रिड में और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स अब आपको पता है ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींगस इज कंट्रोल बाय ग्लाइकोप्रोटीन आई या जीन आई अब ये जीन अलग अलग फॉर्म में मिलता है आई ए आई बी एंड आई नॉट ये मल्टीपल एल का भी एग्जाम्पल है आगे हम देखेंगे तो जो आर बी सी है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर शुगर पोलिमार्स होते हैं अब किस टाइप की शुगर है वो कौन कंट्रोल कर रहा है जीन आई जो तीन एल फॉर्म में मिल रहा है लेकिन अगर आई नोट जो है वो कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा आई ए एंटीजन ए आई बी आई एंटीजन बी प्रोड्यूस कर रहा है तो ब्लड ग्रुपिंग इज कंट्रोल्ड बाय ए एंड बी कलेक्टिवली तो ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या कहलाता है कोडोमिनेंट अगर सिर्फ ए अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा सिर्फ बी दिखाएगा तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा दोनों में से कोई नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ हो गया लेकिन ए और बी यहां आपको ए और बी दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो वो क्या हो गया कोडोमिनेंस तो ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग्स इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ ऑफ टोर खेल रहे हैं कोई भी किसी को खींच नहीं पा रहा है हाँ ना अब मल्टीपल एलिज्म मैंने बताया था अभी आपको कि एबीओ ब्लड ग्रुप पूरा अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो मल्टीपल एलिज है कि नॉर्मली दो फॉर्म होती है एक जीन की लेकिन मोर देन टू फॉर्म्स ऑफ ए जीन या मोर देन टू अलील्स ऑफ ए जीन दैट इज नोन एज मल्टीपल एलिज्म ठीक है तो आई ए आई बी और आई नोट है ना लेकिन एक इंडिविजुअल में सिर्फ दो ही प्रेजेंट होंगे पॉपुलेशन में तीनों प्रेजेंट होंगे तो पॉपुलेशन में मल्टीपल एलिज्म देखने को मिलेगा इंडिविजुअल में नहीं ठीक है क्लियर तो डोमिनेंस जो है ऑटोनोमस फीचर नहीं है ये डिपेंड करता है जीन के प्रोडक्ट पे और जो पर्टिकुलर फिनोटाइप है उसको ये अफेक्ट कर देता है तो ये दूसरा स्टार्च ग्रेन का एग्जांपल है मल्टीपल एलेिज्म के लिए कि लार्ज ग्रेन्स है या स्मॉल ग्रेन्स हैं राउंड है या रिंकल्ड है तो जो एफ वन जनरेशन होगी उसमें राउड इंटरमीडिएट टाइप के बन जाते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पोलीजेनिक एनेडेंस नॉर्मली क्या होता है अभी जो मल्टीपल एलील देखा उसका उल्टा हो गया कि मोर देन वन जीन कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर मोर देन वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर वहां पे क्या हो रहा था मोर देन वन अलील समझ आई बात इनहेरिटेंस जहां पे एक ट्रेट कंट्रोल होता है सेवरल जीन से और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है स्किन कलर इन ह्यूमन बींग्स या हाइट इन ह्यूमन बींग्स है ना ये अफेक्टेड होता है एनवायरमेंटल कंडीशन से तो किसी भी पोलिजेनिक ट्रेट में जो फिनोटाइप है वो रिफ्लेक्ट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स ह्यूमन बींग्स स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय थ्री जीन्स ए बी एंड सी डोमिनेंट फॉर्म्स ए बी और सी की फॉर डार्क कलर जिसको हम निग्रो भी कह देते हैं और तीनों की रिसेसिव फॉर्म में जो है स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी दे शोज लाइट स्किन कलर उसके अलावा जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो इन तीन दोनों के बीच के इंटरमीडिएट्स होंगे है ना तो कैपिटल तीनों जब होंगे तो डार्केस्ट स्किन कलर और तीनों ए बी सी स्मॉलर फॉर्म में होंगे तो वाट यू से लाइटेस्ट या फेयरेस्ट स्किन कलर होगा तो नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ अलील डिटर्मिन द डार्कनिंग और लाइटनेस ऑफ द स्किन कलर ऑफ इंडिविजुअल इन ह्यूमन बींग्स तो आपका स्किन कलर कौन सा है आप में कितने कैपिटल है और कितने स्मॉल है फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ कितने डार्क या कितने फेयर हैं आप लोग चलिए अब मैंडल्स के लॉ के बाद बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस विच वाज गिवन बाय सटेन एंड बॉवेरी द शोड द स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर टू जीन है ना उन्होंने कलर बॉडीज़ को स्टेनिंग के थ्रू ऑब्जर्व किया उन्होंने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जो हर सेल डिवीजन से पहले डिवाइड कर जाती है तो दोनों के दोनों जीन्स भी और क्रोमोसोम भी पेयर्स में मिलते हैं है ना दे आर प्रजेंट इन होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम तो ड्यूरिंग मियोसिस वन और एनाफेज क्रोमोसोम पेयर अरेन्द सेल्फ एट मेटाफेजिक प्लेट इक्विटोरियल प्लॉट जिसको कहते हैं इंडिपेंडेंटली दोबारा से पेयर सेग्रीगेट कर जाते हैं जिससे वेरिएशंस आ जाती हैं तो पेरिंग है ना तो पेयरिंग और सेग्रीगेशन इम्पोर्टेंट फीचर हैं जीन्स के भी और क्रोमोसोम्स के भी तो दिस इज द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसका किया मॉर्गन ने थॉमस मॉर्गन ने उन्होंने काम किया मेलोगस्टर जिसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं और उसके रीजंस क्या थे क्योंकि उसको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवाना आसान है छोटा सा लाइफ स्पेन है 14 15 डेज़ का सिंगल मैटिंग में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं मेल और फीमेल एक दूसरे से क्लियरली डिफ्रेंशेबल होते हैं तो इसी वजह से उन्होंने इसको स्टडी किया अब ये देखिए जो उनका कंक्लूज़न था कि पेयर्स में मिलते हैं सेग्रीगेशन होता है रिकॉम्बिनेशन होता है मेटाफिजिक प्लेट पर अपने आप को अरेंज कर लेते हैं तो जो कंसेप्ट था जी इनका वो स्टेबल हो गया मैंडल्स लो हिडन रहा 1900 तक लेकिन तीन अलग अलग साइंटेंस तो उसको रीडिस्कवर किया और उसके बाद उसको रिकोगनेशन भी मिली तो जो क्रोमोसोम्स की जो चार पैरामीटर्स हैं देखिए आप मैं अभी बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि पहला क्रोमोसोम्स आर हेडिट्री वहीकल्स टू आइडेंटिकल आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स फॉर्म ए होमोलोगस पेयर होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट करेंगे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन और जो इंडिपेंडेंट पेयर्स हैं सेग्रीगेट करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर और यही सारी चीज़ें जीन्स के ऊपर भी एप्लीकेबल हैं जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम सो जीन्स आर ऑल्सो क्रोमोसोम एंड फॉलो देअर बिहेवियर अब मैं वापस से उसी पे आता हूँ कि भाई मैंडल को सक्सेस क्यों नहीं मिली क्यों उसका काम जो बेचारे का हिडन रह गया और कौन से साइंटिस्ट थे वेर कॉल कोर एंड वैन शैमरेक उन्होंने उसके काम को रीडिस्कवर किया है मैंडल क्यों फेल हुआ मैंने बताया था शुरू में ही कि उसने स्टेटस्टिकल डाटा रखा था अपने क्रोसेस का तो लोगों को वो बात समझ में नहीं आई उस टाइम पे उसने अपनी जो फाइंडिंग जहां पे पब्लिश की वो एक लोकल सा जर्नल था वो कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया अपने एक्सपेरिमेंट से कि भाई देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर जिसको आजकल हम जीन कहते हैं लेकिन इन तीनों लोगों ने इंडिपेंडेंटली अपने अपने एरियाज में काम किया और सेम कंक्लूजन पे पहुंचे जो मैंडल 16-17 साल पहले पहुंच चुका था और उसके बाद मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया उसको रिकोगनीशन मिली बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आप लोगों की बैंड बजती है इस टॉपिक में लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर या लिंकेड लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि इतना इजीली भी इसको समझा जा सकता है चलिए ध्यान देना सिर्फ तीन से चार मिनट की बात है आपको चुटकियों में ही सॉल्व हो जाएगा जो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर है बेटा ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोटमेंट का देखिए ड्रोसफी में तीन तरह के वेरिएशंस दिखाई देते हैं बॉडी कलर में आई कलर में और विंग्स तो जो बॉडी कलर और आई का कलर है वो ज़्यादा लिंकेज शो करता है देन बॉडी कलर एंड विंग्स क्लियर बात है ये बात समझ में आ गई अब पहले क्रॉस में येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल्स को क्रॉस करवाया गया ब्राउन ब्राउन बॉडीज रेड आइड मेल के साथ तो जो एफ टू जनरेशन आई उसमें रेशो आई नाइन रेशो थ्री रेशो थ्री रेशो, रेशो वन एफ टू के दो दो जींस थे वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हुए सेपरेट नहीं हुए तो लिंकेज जो है वो फिजिकल एसोसिएशन है जीन्स की क्रोमोसोम्स पे जो जैसा कि मोर्गन ने बताया और रिकम्बिनेशन में क्या है कि जो नॉन पेरेंटल जींस हैं वो कंबाइन कर जाते हैं ठीक है तो बॉडी कलर और आई कलर 1.3 परसेंट रिकॉम्बिनेशन कर शो करता है जबकि आई कलर एंड विंग्स 37.2 परसेंट रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं ठीक है यहाँ तक कोई भी समस्या है आप मुझे बताइए तो लिंकेज फिजिकल एसोसिएशन है दो या ज्यादा जीन्स की क्रोमोसोम के ऊपर जो इंडिपेंडेंटली अशोट नहीं करते जबकि रिकॉम्बिनेशन जनरेशन है नॉन पेरेंटल जीन्स कम्बिनेशन की जो कि इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट की, की वजह से होती है जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं तो जो मॉर्गन था उसने डाइहाइ्रिड क्रॉसेस परफॉर्म किए ड्रोसोफिला टू स्टडी सेक्स लिंक जीन्स अब पहला क्रॉस क्या क्या किया क्या कि येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल्स को क्रॉस करवाया ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल्स के साथ जो कि वाइल्ड टाइप कहलाती हैं दूसरे क्रॉस में वाइट आइड मिनिएचर विंग्ड को रेड आइड लार्ज विंग के साथ जिसको वाइल्ड टाइप कहा जाता है क्रोस करवाए गए ये दो क्रोस आपको ध्यान रखना है अभी सिर्फ ये देखिए ये आपकी एन का डायग्राम है एन में जो दिया हुआ है जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करता है अब इसको समझते हैं पीछे हम पढ़ चुके हैं कि डायबिट रेशो में जी जो फिनोटिपिक रेशो आती है नाइन थ्री थ्री वन आती है लेकिन जब दो जीन सेग्रीगेट नहीं करते इंडिपेंडेंटली तो एफ टू जनरेशन में ये रेशो अपटेन नहीं होती जीन्स लोकेटेड जो हैं किसी एक्स क्रोमोसोम पे, और जब दो जीन सिचुएटेड हैं सेम क्रोमोसोम पे तो उनके जो चांसेस हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन के बढ़ जाते हैं देन नॉन पेरेंटल जीन जो अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं समझ आई बात तो जो वाइट आइट एंड येलो बॉडी जीन्स थे देवर टाइटली लिंक्ड मतलब एक दूसरे के बहुत पास पास थे और सिर्फ एक पॉइंट तीन परसेंट रिकॉम्बिनेशन दिखाया उन्होंने बात इतनी है कि जितने पास पास जीन होंगे उनके चांसेस साथ इनहेरिट होने के बढ़ जाएंगे मतलब रिश्ते जो पास से होते हैं दिल के वो ज़्यादा एक्सप्रेशन शो करते हैं दूर चले जाएंगे तो वो जो म्यूचुअल एसोसिएशन है वो कम हो जाती है मतलब दूसरों के साथ उनके कम्बिनेशन बढ़ जाता है रिकॉम्बिनेशन हो जाता है सीधे सी शब्दों में समझो तो जो जीन और वाइट आइन एंड विंग थे वो लूजली लिंक्ड थे तो उनमें 37.2 परसेंट रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला क्योंकि दूर हो गए थे एक दूसरे से तो जो टाइटली लिंक्स है, जीन्स हैं वो लो रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे और जो लूजली लिंक्ड जीन्स हैं उनमें रिकॉम्बिनेशन की फ्रिक्वेंसी हाई हाई हो जाएगी ठीक तो कंप्लीट लिंकेज जहां पे ट्वेंटी फाइव परसेंट से कम रिकॉम्बिनेशन हो इनकम्प्लीट लिंकेज जहां पे ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा रिकम्बिनेशन हो साफ शब्दों में यह समझना है सिर्फ पोजीशन के हिसाब से वेरियस कॉम्बिनेशन बन जाएंगे होप अब आपको चीजें समझ आ गई होंगी अगर अभी भी नहीं आया कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए उसके बाद जो भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछ लो फिर से मैं एक लाइन में समराइज कर देता हूँ अपनों के पास रहना लिंकेज है टाइटली एसोसिएटेड होते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ वो हो गया कम्प्लीट लिंकेज रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी 25 परसेंट से कम दूर चले गए हॉस्टल में हो पेरेंट्स से टच कम हो गया अगर बात नहीं करोगे तो रिकॉम्बिनेशन के दूसरे दोस्त बनाने पड़ेंगे तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ गए जो टाइटली जुड़े हुए थे जीन्स वो कम पड़ गए तो जो रिकम्बिनेशन की फ्रिक्वेंसी वो 25 परसेंट से बढ़ गई वो हो गया इनकम्प्लीट लिंकेज इससे आसान भाषा में और कोई नहीं समझा सकता इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती लिंकेज की और क्रॉसिंग ओवर की चलिए फिर भी आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं पिलियोट्रोपी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है कि सिंगल जीन शोज मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ए जीन ऑन मेटामोलिक पाथवेज कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसके जैसे फिनाइल कीटोन यूरिया चलिए हो गई बात अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की सबसे पहले इंसेक्ट्स में इसको स्टडी किया गया साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे सेल बायोलॉजी की स्टडीज हुई और तीन तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है मेल हेट्रोगिटी फीमेल एट्रोगेमेटी और मैकेनिज्म। मेल मैकेट्रोगमी क्या होगा कि एक्स नोट टाइप जो इंसेक्ट और ग्रास में देखने को मिलता है कि फीमेल्स में एडिशनल एक्स क्रोमोसोम होगा है ना और फीमेल्स में हमेशा एक्स क्रोमोसोम होगा तो एक्स नोट मेल के लिए होगा और एक्स एक्स फीमेल के लिए होगा एक के एक केस देख लेते हैं अब दूसरा फीमेल हेट्रोगेमेटिक में जेड 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 डब्ल्यू टाइप कि मेल में सिर्फ जेड होगा लेकिन फीमेल हेट्रोगेमेटिक होंगी जेड और डब्ल्यू दो होंगे तो मेल जेड जेड से रिप्रेजेंट होंगे और फीमेल जेड डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा बर्ड्स में होता है तीसरा एप्लोइड डिप्लोइड मैकेनिज्म होगा जो कि बीज में देखने को मिलता है कि जो जितने क्रोमोसोम के सेट्स हैं इंडिविजुअल में उसके बेसिस पे मेल में स्पम होता है या मेल गैमेट्स होते हैं फीमेल में एक्सेल होती है मेल लेकिन यहाँ पे पार्टिनोजेनेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं तो वो हमेशा एप्लॉइड होंगे फीमेल्स डिप्लॉयड कंडीशन में मिलेंगे चाहे वो वर्कर है चाहे वो क्वीन है क्लियर अब दूसरा केस एक्स वाई टाइप जो ह्यूमन बींग्स में और ड्रोसोफिला में देखने को मिलता है मेल में एक्स और वाई दो क्रोमोसोम तो मेल एट्रोगेटिक हो गया फीमेल में हमेशा एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे तो एक्स एक्स फीमेल एक्स वाई मेल फीमेल जेड 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 नोट टाइप मेल में अभी भी जेड है लेकिन फीमेल में फिर से जेड और नोट मिल गया तो बटरफ्लाई इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है और तीसरे का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हनी बीज में मेल हमेशा एम्प्लॉयड है, होते हैं क्योंकि वो पार्थिनोजेनेटिकली प्रोड्यूस होते हैं जबकि फीमेल जो हैं वो डिप्लॉयड होती हैं ठीक है अब ह्यूमन बींग्स में आपको पता है ऑलरेडी दो सॉरी ट्वेंटी टू पेयर्स ऑटोसोम्स के होते हैं एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है एक्स एक्स इन फीमेल्स एंड एक्स वाई इन मेल्स और रैंडम चांस कॉम्बिनेशन होता है कि मेल का एक्स वाई फीमेल के एक्स के साथ कंबाइन करे या मेल का एक्स फीमेल सॉरी मेल का वाई फीमेल के एक्स के साथ कंबाइन करे चलिए अब बात करते हैं म्यूटेशन की सडन जेनेटिक चेंजेस जो जीनोटाइप और फिनोटाइप को अफेक्ट करते हैं उनको कह देते हैं म्यूटेशंस अब ये किसी डीएनए uh, सेगमेंट के लॉस और गेन की वजह से हो सकता है या जीन्स की पोजीशन में चेंज की वजह से हो सकता है जिनको हम क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं कॉमनली कैंसर के केस में होता है या एक सिंगल बेस पेयर में चेंज आ जाए जिसको पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है सेल एनीमिया और बहुत सारे जब बेस पेयर्स की पोजिशन चेंज होगी देन इट इज़ नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस तो फिजिकल और केमिकल सब्सटेंसेस भी म्यूटेशन को कर सकते हैं जिनको म्यूटेजन्स कहा जाता है जैसे म्यूट जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया यूवी रेज हो गई तो म्यूटेशंस हार्मफुल भी हो सकते हैं एंड बेनिफिशियल ऑल्सो तो आपको म्यूटेशन का कोई क्लासिकल एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ से पता हो या आपने सुना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अब बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की मैंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स मैंडलियन डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं बच्चों जो सिंगल जीन में म्यूटेशन या अल्ट्रेशन हो जाए वो ट्रांसमिटेड हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग्स में एंड फॉर्म द मैंडलियन इनहेरिटेंस बेसिस अब ये पेडिग्री एनालिसिस से इनको ट्रेस आउट किया जा सकता है पता लगाया जा सकता है ये सेक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं डोमिनेंट भी हो सकते हैं और सेक्स सेक्सलिंक में भी डोमिनेंट रिसेसिव दोनों हो सकते हैं एग्जाम्पल की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस, फीमेल्स कैरियर हो सकते हैं क्योंकि अगर एक ही एक एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन प्रेजेंट है तो वो फादर कलर ब्लाइंड है तो सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे 50 50 परसेंट चांसेस होंगी। और अगर मदर कलर ब्लाइंड है और फादर नॉर्मल है तो बेटे हमेशा कलर ब्लाइंड होंगे और बेटियों में हमेशा 50 50 परसेंट का चांसेस होता है ठीक है तो ये सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट हो गया हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर या डिजीज इनके सिंबल्स आप प्लीज ध्यान से देखिएगा फीमेल्स में हीमोफीलिया रेयरली होता है क्योंकि अगर मदर के सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन है तो वो कैरियर होगी जब तक दोनों क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट नहीं होगा वो अफेक्टेड नहीं होगी तो आप ये सिंबल्स बड़ा ध्यान से देखिए प्लीज है ना तो सेक्स लिंकड रिस डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं हो पाती है तो एक सिंगल प्रोटीन जो है जो कैस्केड मैकेनिज्म के तरह ब्लड क्लोटिंग का मैकेनिज्म आपने इलेवंथ क्लास में पढ़ा है थर्टीन फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म है ना तो उसकी वजह से वो प्रोसेस अफेक्टेड हो जाती है फीमेल्स रेयरली अफेक्टेड है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको मेल्स क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम होता है अगर उसी पे जीन है अफेक्टेड तो वो अफेक्टेड हो जाएंगे अगला है सिकल सेल एनिमिया जो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल भी है ये ऑटोसोमल सेक्स लिंक ट्रेट है बेटा सेक्स लिंक रिसेसिव जहां पे सिंगल पेयर ऑफ एलि एच बी एंड एच बी एस जो अफेक्ट करता है अगर आ, जो सीक्वेंस है एमिनो एसिड की सीक्वेंस उसमें सिक्स पोजीशन पे बीटा चेन में ग्लोबिन के जो ग्लोटेमेक एसिड है वो रिप्लेस हो जाए वेलिन एमिनो एसिड से इट कोजेज सिकल सेल एनेमिया यहां पर आप देख पा रहे हो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है और सिकल सेल हीमोग्लोबिन है ठीक है तो जो बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की वो अफेक्टेड हो जाती है जिसकी वजह से जो आरबीसीज़ है वो सिकल सेल्ड हो जाती हैं उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो डिक्रीज हो जाती है नेक्स्ट डिसऑर्डर इज फिनाइल कीटोन यूरिया ये भी ओटोसोमल डिजीज है डिसऑर्डर है विच इज एग्जाम्पल ऑफ इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबोलिज्म जो इंडिविजुअल है उसमें फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीज एंजाइम नहीं होता जो फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है जिसकी वजह से फिनाइल एलानिन बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू कर जाता है ठीक है और इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाती है क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता किडनी के थ्रू थैलेसिमिया एक मेजर प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों में भी बहुत कॉमनली बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन एल्फा एंड बीटा है ना एबनोमा हीमोग्लोबिन बनेगा जिसकी वजह से एनिमिया हो जाता है दो टाइप का होता है थैलेसेमिया ए एंड बी अगर एल्फा चेन अफेक्टेड है तो ए और बीटा चेन अफेक्टेड है तो थैलेसीमिया बी हो जाएगा थैलेसीमिया ए क्रोमोसोम सिक्सटीन पर होता है और थैलेमिया बी जो है क्रोमोसोम नंबर 11 से कंट्रोल होता है अब बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की जहाँ पे या तो एब्सेंस हो जाए या एक्सेस हो जाए या एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए क्रोमोसोम्स का दो टाइप का कॉमनली होता है एनिप्लोइडी जहाँ पे क्रोमोसोम की सेग्रीगेशन नहीं हो पाती या पोलिप्लोइडी जो साइटोकाइनेसिस के बाद जो फेलियर हो जाता है तो इसकी वजह से पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट ही बढ़ जाता है पोलिप्लोइडी नॉर्मली प्लांट्स में ज़्यादा देखने को मिलती है तो ये एक नॉर्मल आप फ्लो चार्ट देख पा रहे होंगे मेल्स में या ह्यूमन बींग्स में सॉरी जो नॉर्मल सिंड्रोम होते हैं इसकी वजह से उसका सबसे पहला एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम विच इज़ ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर ट्वेंटी वन तो टोटल फोर्टी सेवन क्रोमोसोम्स हो जाते हैं इसकी वजह से शॉर्ट हाइट हो जाती है स्मॉल राउंड हेड हो जाता है पार्शियली ओपन टन टंग हो जाता है मेंटली रिटार्डेड होते हैं पाम ब्रोड हो जाती हैं जिसको पाम क्रीज भी कहा जाता है ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं जो बच्चे डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड होते हैं इसके अलावा क्लिन फिल्टर सिंड्रोम एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम तो एक्स एक्स वाई हो जाता है तो सिम्टम्स क्या हो जाते हैं गैनिकोमेस्टिया की मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर एक ही ऑर्गेनिज्म में हो तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इंडिविजुअल्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं यंग वंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते और टर्नर सिंड्रोम में एब्सेंस हो जाती है एक्स क्रोमोसोम की तो एक्स नोट हो जाता है तो ऐसी फीमेल स्ट्राइल होंगी क्योंकि ओवरी जो है रूडिमेंट्री हो जाती है उसके अलावा सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स नहीं देखने को मिलते में डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो उसको हम पैटेगरी एनालिसिस के थ्रू पढ़ते हैं है ना या ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव दो टाइप की हो सकती हैं आपके एनसीईआरटी में भी ये दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं सिकल सेल एनीमिया का और माइटोमिक डिस्ट्रोफी का इनको आप ध्यान से देखिए आपको कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है चलिए पहले आप सिंबल देख लीजिए कि पैटेगरी एनालिसिस में कौन से सिंबल नॉर्मली देखने को मिलते हैं स्क्वायर है या क्यूब है तो मेल होगा सर्कल है तो फीमेल होगी है ना मैटिंग के बीच में दोनों के बीच में एक एरो आ जाता है डबल एरो है तो क्लोजली में मैरिज होती है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को कैसे दिखाया जाता है ये सारे सिम्बल्स ऑलरेडी आपको या तो पढ़े होंगे आपने या ऑलरेडी आपने देखे होंगे तो इनको ध्यान में रखना है और उसके बाद आप इस तरह के नोमेरिकल सोल्व कर सकते हो इन नोमेरिकल्स को सोल्व करने में अगर आपको कन्फ्यूज़न आता है आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसकी एक ट्रिक होती है कि अगर जनरेशन स्किप हो रही है तो क्या होगा अगर कंटिन्यूस एक्सप्रेशन हो रहा है तो क्या होगा तो इस तरह के एग्जाम्पल्स के लिए मैं अलग से आपको वीडियो दे दूंगा या एक शॉर्ट वीडियो में आपके लिए बनाकर डाउनलोड कर, कर दूँगा तब तक आप पढ़ते रहिए गुड लक